अब यहाँ नया व्लॉग हमारा यहीं से स्टार्ट है। हम निकलने लगे तो हमने सोचा हम अपने व्लॉग का स्टार्ट भी कर ले। मम्मा की चप्पल तो निकालो बेटा, ये हाथ में लो। इब्राहिम से मैंने कहा इब्राहिम तुम जाके टंकी का वॉल बंद करो, चाबी लो और हम निकलते हैं बाहर। दूसरी चप्पल दो, चलो जल्दी 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 चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, कर्टन बंद करो क्योंकि मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। डेंगू से बचाव करें, ठीक है? घर की चाबी लाला लेकर आ रहे हैं, चलो भाई जल्दी चलो। इनके बाबा तो जा चुके हैं बाहर हमें छोड़कर, वो अब ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। अच्छी बात है, काम में लगे। ये देखो इब्राहिम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा कह रहे मेरे पापा पैसा कमा रहे। अल्लाह पाक इनके पापा के रिश्ते में बहुत सारी बरकत दे, इतनी बरकत दे कि जल्दी से मैं अपने शोहर अपने बच्चे बच्चों के साथ अल्लाह के घर चली जाऊँ। वो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर एडिट, क्योंकि मैं ये लगाऊंगी पहले स्टार्ट में के लिए। तो जाएं आप जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कॉमेंट कर दें और हो सके तो अपने 10 दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो आप जाके आंटी की ये बात माने और मैं अगला व्लॉग भी जो है कंटिन्यू भी करती हूँ और आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। जनाब हम आ गए इनको सोडा पिलाने के लिए, और जब सोडा पिलाने तो पता चला मशीन खराब है। एक मशीन खराब हो गया। तो भाई कौन सा ले रहे हो तुम? नया ट्राई नहीं करो, देखते हैं ये लोग क्या ऑर्डर करते हैं, इनको क्या पसंद आता है तो फिर आपको दिखाते हैं। हमारा सोडा और बच्चे आपस में डिवाइड करेंगे। फातिमा का कौन सा है? फातिमा ये तुम्हारा, ये तुम्हारा भी ब्लूबेरी कलर वाला है, टेस्ट करो कौन कैसे है। अच्छा है, और तुम्हारा तुम्हारा तो ब्लूबेरी जो हमेशा पीते और गुड़िया का हमने क्या लिया। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, अब हम ने बोला कैसा है, मैंने अपने अंदाज में बोला कैसा है, कैसा है बोले खाना है भाई। इनकी तो यही बस्तियाँ होती रहेगी, चलती रहेगी। जब हम आगे चलते हैं अपना बाकी काम करते हैं। A few moments later, दूध भी लेकर आ गए, बनाना भी लेकर आ गए, सारा सामान इसके अंदर है, बच्चों का सब कुछ लेकर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। प्याज भी इतनी महंगी हो गई है, 100 रुपये कितने की दिए इसने, 150 की 2 किलो शायद, हाँ। और टमाटर मिले हैं हमें 100 रुपये किलो, चिकन इतना महंगा 600 रुपये किलो, पता नहीं महंगाई कहाँ जा रही है। और केले मिले 100 रुपये दर्जन। बस सारा काम हो गया है, मैं बर्तन धो रही हूँ फटाफट से, फिर उसके बाद आज बच्चों ने खाना है रोल पराठा। तो रोल पराठे की रेसिपी आपसे शेयर करते हैं, तो बस थोड़ा वेट करें। ये यहाँ पर बैठ, इधर आई, मैंने बोला फातिमा बैठ जाओ, जैसे ही बैठी ऐसे पीछे अंदर धप। अबे यार हंसना था नहीं रोना था, कुछ भी गंदी शक्ल आ रही है आपकी। शक्ल तो ये है ना, ये होती है शक्ल, तेरी शक्ल। अरे कहना क्या चाहते हो? शहद जैसी शक्ल, शहद टपकता है हमारी शक्ल से। तुम्हारी शक्ल से बताऊं क्या टपक रहा है? बोल नहीं सकता, वो अल्फाज सेंसर हो जाएगा। क्या नहीं बोल सकता? बोलो ना। नहीं बोल सकता, सेंसर हो जाएगा, वो 18+ लोग हो जाएगा। बच्चे हो तुम मेरे सामने, अभी पंजे में तो अजीब नहीं सकता मेरे से। हम बातें करवा लें, ये भी सब समेटना इधर हमें, और मामा चिकन साफ करेंगे। आप वीडियो वो कर रहे थे ना, अपलोड कर रहे थे बेटा? अरे अपलोडिंग पे लगा दिया, थंबनेल बनाना है, मैं अभी याद आ रहा हूँ, मैं थंबनेल बना रहा था, बस जल्दी से हमें थंबनेल बनाना है। दूध हमारा उबल गया है तो जल्दी से हम लोग थंबनेल बनाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो बस अम्मा यार मैं कोयला ले आया था, तो अम्मा इसमें एक मिनट रुके, तेल डालें, तेल डालें, 1 2 3 जल्दी जल्दी डालें, पूरे में लगाना ताकि पूरे में बन जाए। मैं निकल रहा है यार, निकल रहा है, हो जाएगा है ना। ये प्याज हमने काट लिए, ठीक है ठीक है, ये रायता बन जाएगा। अम्मा इनका भी कर लेते हैं, सब बना रही ना भी। क्या बनानी है? कुछ अच्छा सा बनाती है पराठे, किचन बहुत पहला है। मैंने आपको 3 बोला, कितने बनाए आपने? 3 ही बनाए, 3 मेरे काउंटिंग कर। अच्छा क्या कर सकते हैं, भूख बहुत लग रही है, और रोल पराठे में हम बहुत ज्यादा खाते हैं, रात में उठ के भी खाऊंगा, भूख बहुत लग रही है मुझे। जल्दी से हम लोग ये करते हैं और फिर आपको पता है, मिलते हैं फिर। स्मोक स्मोक यहाँ पर क्या दिखाया आपको? स्मोक पॉल्यूशन थोड़ी फैला रहे हैं, अभी अंदर स्मोक हो रहा है तो बाद में दिखाते हैं। तो भाई ये हमारा ये हो गया, ओए होए 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 होए, अरे ढक दो ना, एक बोटी खा के देखते हैं। अहमद ये मुझे सबसे बुरी तुम्हारी आदत लगती है। हाय हाय रायता।
दो आते मम्मा जी, तुम तो बैठे हुए हो नवाबों की तरह। किसी ने नहीं देखा क्या? कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मसाला बहुत मजे का लगा मम्मा, जल्दी से पराठे बनाए, फिर मैं ना इसको तुम्हारे पापा को कॉल करो कि वो कहाँ है, अब ये मेरी लड़ाई हो जाए फिर आपसे। तो बस भाई यार हमारे रोल पराठे इब्राहिम बना रहे, तो ये हमारे इतनी सी बची, देखो इब्राहिम किसी में कम है तो डाल लो। इतना गुस्सा है मत को आ रहा है कि मैं बस ये डालो। हाँ बोलो, बिल्कुल बराबर बराबर डाली है मैंने सब में, कितनी सारी डाली है तुमने, तो क्या हो गया? बस ये रोल पराठा बन गया, अब खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। इसीलिए चीख रहे हो ना? खाने के बाद हम आपसे फिर मिलते हैं। रोल पराठा खा रहे हैं, मैंने फातिमा को भी उठा लिया, वो नहीं है सोट के खा रही, तो मैं चेक करके आपको बताता हूँ। ये रायता चटनी हमने बनाई है, तो ये इसमें डिप करा, बंदर लग रहे हैं तुम। मामा कैसी लगी? मजे की? मजे का बहुत, माशाल्लाह यम्मी टेस्टी गुड स्वाद स्वादिष्ट, हम ये खाते हैं उसके बाद। तो बस भाई अभी सारे काम काज करके फारिग हुई हूँ, बिल्कुल सारा सुकून, सारा काम हो गया है, फ्री हो गए हैं बिल्कुल। और किचन कैसा गंदा था ना, आए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि किचन कैसे चमक रहा है। किसने किया शक्ल देखी आपने? ये रहा हमारा किचन, गैस जा चुकी थी ना, तो वो तो आपको पता है गैस थी नहीं, मैंने ये देखा सारे बर्तन धो के या ड्राई करने रख दिए, किचन बिल्कुल साफ है, ये भी साफ सुथरा, घर भी साफ सुथरा। बाबा इनके अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत तंग करने लग गए, बहुत लेट हो जाते हैं, इनके बगैर खाना खाने को अच्छा नहीं लगता, चाय पीने को अच्छा नहीं लगता, मगर ये डिले पे डिले डिले पे डिले। तो बस मैं पढ़ने जा रही हूँ आपकी नमाज जी। बच्चे जो है ना, बस जो है हम नमाज पढ़ते हैं अपनी और फिर आपसे मिलते हैं। तो जनाब हमारी सुबह हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह फजर की नमाज भी हो गई थी, और आज है जुम्मा, जुम्मा मुबारक आप सबको हमारी तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जुम्मे की नमाज भी हो चुकी है, अब हम सूरह काहफ पढ़ेंगे, सूरह जुम्मा पढ़ेंगे और सूरह रहमान पढ़ेंगे। और हमारा अहमद ड्राई क्लीन से इस्त्री करवा ली थी हमने कपड़े, हाँ पापा लेकर आए थे सुबह, और पापा सुबह निकल गए काम पर, और उसको लगी बहुत ज़ोरों से भूख, तो मैंने इससे कहा बेटा तुम अपना बनाओ बनाना शेक, मैं इतनी देर जो है अपनी सूरह काहफ पढ़ लूँ, और इब्राहिम जो है सो गए थे, ठीक है बेटा फिर उसके बाद है ना मैं पराठे भी बना देती हूँ आपके। तो बस मैं फटाफट से जो है अपना पढ़ती हूँ, हटानी है क्योंकि अब हमारा जो है ना मलाई जमा हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं आपको देसी घी बनाना भी सिखाऊंगी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये तीसरा डब्बा है ना, मैं अच्छे से निकाल के वो करना माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी जगह से दूध लो ना माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तो फिर वो अच्छा होता है। फिर इंशाल्लाह बनाएंगे जल्दी से आपको घी बनाना भी सिखाएंगे। हमारी फातिमा जो है ना अभी दिखा नहीं सकते, हम अपनी फातिमा को मिल गया, मैं फातिमा को अभी मैं कपड़े भी चेंज करवा दी, फिर हम आपको फातिमा से भी मिलेंगे, लेकिन पहले मैं अपना पढ़ लूँ उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो हाजत बने रहे बोले यार। तो बस भाई मैं अपनी यहाँ चाय भी निकाली थी और साथ साथ मानो से बातें भी कर रही थी, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, वो सुना रही है सारी, कल पूरी रात अब्बू को हॉस्पिटल लेकर बैठे हैं ये लोग। और हमारी मुन्नी बाजी की भी तबीयत सही नहीं है, जो आपने अक्सर देखा होगा हमारे यहाँ होती है। तो बस मेरी चाय तो हो गई, पराठे भी मैंने बना लिए थे, आज दिल चाह रहा है घर जाने को। अहमद बताओ खाना आज क्या बनाया मम्मा ने, दिखाओ पतीली का ढक्कन खोलो, ये देख लीजिए, ये मैंने विंग्स जो लेकर आई थी ना, वो विंग्स का मैंने सारे में लिया, टिक्का मसाला डाल के। इब्राहिम सो रहा है, फातिमा हमारी गोरी इसको तैयार करती हूँ, और हो सकता है कि हम अम्मी के घर चले जाएं, तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो बस जनाब खाना पीना सारा कुछ हो गया था, नमाज भी हो गई थी, फातिमा को भी मैंने प्यारा सा तैयार कर लिया था। ये रही मेरी शहजादी क्यूटी पाई, कैसी लग रही है मेरी जान? शॉर्ट पहना रहे हैं इस वजह से कि इसके पैर में चोट लगी है ना, तो मैं इसको पैंट कहीं बाहर जाना होता है तो पहनाती हूँ, वरना मैं इसको शॉर्ट पहना के रखती हूँ, ये मेरी गुड़िया का जख्म। तो बस भाई खाना खाने का फिर से बर्तन जमा हो गए, ये रहे बर्तन, चूल्हा तो खैर मैंने साफ कर लिया था, मगर बर्तन इतने सारे रोजाना हो जाते हैं क्या आप लोगों के यहाँ भी? यही होता है, एक बर्तन और एक कपड़े, इसमें इतनी बरकत है ना कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो बस हमने बर्तन भी धोने हैं और कपड़े भी बहुत सारे जमा हो गए, वो भी धोने, और इब्राहिम से कह रही इब्राहिम चल यार चलते हैं कहीं,
अरे कहना क्या चाहते हो? यस, जा रहे हैं अम्मी के घर, लेके जा रहे हो मुझे? और इब्राहिम भर रहा है हमारा बिजली का बिल, इजी पैसा, तुम अपना काम करो, बिजली का बिल भरो। बुढ़िया, हाँ पैंट में थोड़ी देर के बाद आपको पिनाऊंगी, फिर जब हम जाएंगे निकलने लगेंगे तो फातिमा को पैंट में पिना देंगे। और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर लूँ, तो बस इस ब्लॉग का एंड हम यहीं करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पेरेंट्स के रिस्पेक्ट, उनका ख्याल, उनसे प्यार, उन्हें वक्त लाजमी कर दें, नमाज की पाबंदी करें, और हमारे चैनल को जल्दी बोलो फातिमा, जाना है हमें अम्मी के घर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज़।